हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल और आप देख रहे हैं हेल्प विद राहुल। दोस्तों आज मैं आपको 12 वोल्ट का चार्जर घर पे बनाना सिखाऊंगा, वो भी काफी इजी है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें मोबाइल चार्जर ले लेना है। फ्रेंड्स, ये मेरे पास ओप्पो का मोबाइल चार्जर, तो मैं अभी इसी का यूज करूंगा। आपके पास जो भी चार्जर होगा, कोई भी कंपनी का होगा फ्रेंड्स, आप उसका यूज कर सकते हो। अगर ये चार्जर फ्रेंड्स, ये इसमें आपको कोई कट नहीं करना होगा। वैसे आपने यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपको चार्जर को निकालना पड़ता है और उसमें जो डिनेट डायोड लगा हुआ रहता है उसे आपको हटाना पड़ता है। लेकिन मैं फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसे बिना खोले ही आपको 12 वोल्ट का एक चार्जर बना करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए हमें दो चार्जर की जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स। ये जो चार्जर है वो काफ़ी अच्छा है। इससे जो बैटरी है वो 7 से 8 घंटे में, जो 12 वोल्ट की बैटरी होती है वो अच्छी तरह से चार्ज हो जाती है फ्रेंड्स। अगर आप कि जो चार्जर की वोल्टेज अगर लो आती है तो आप इसमें 3 चार्जर अगर लगा दोगे तो अभी अच्छी तरह से वर्क करेगा फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर चार्जर को चेक करके दिखा देता हूँ। ये चार्जर 5 वोल्ट का ही है। वैसे तो आपको मैंने दिखा भी दिया कि ये मोबाइल का चार्जर है, फिर भी मैं आपको इसे चेक करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैं फेक वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स। मैं कभी भी फेक वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ। मैं पहले खुद ट्राई करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको कुछ नॉलेज मिले, आपको इससे कुछ सीखने को मिले। तो फ्रेंड्स, आप अगर इसे बनाते हो तो आपके काफ़ी पैसे बच जाएंगे, जिससे कि अगर आप सब आपके आप चाहोगे कि अब मैं एडेप्टर ले लूँ तो एडेप्टर भी काफ़ी महंगा मिलता है फ्रेंड्स। एडेप्टर आप खरीदने में काफ़ी मेहनत लगेगी क्योंकि जो एडेप्टर होते हैं वो 12 वोल्ट के डायरेक्ट होते हैं, लेकिन उसमें एम्पियर आपका ज़्यादा होता है। इसमें एम्पियर कम मिलेगा लेकिन ये बैटरी आसानी से चार्ज कर देगा, चाहे कोई भी बैटरी हो फ्रेंड्स। अगर आपके पास 12 वोल्ट का बैटरी नहीं है तो मैंने 12 वोल्ट की बैटरी घर पर ही बनाना सिखाया है, तो आप हमारे चैनल में जाकर के देख सकते हो, आपको अच्छी वीडियोस मिल जाएगी। हमारे चैनल में काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली है। तो सबसे पहले हमें जो ये चार्जर है इसके दोनों केबल को हटा देना है फ्रेंड्स। अगर आप इस केबल को अगर कट करते तो अभी काम में बन जाएगा, लेकिन मैं अलग से केबल ले रहा हूँ क्योंकि ये केबल जो है इसका मुझे अभी काम नहीं, मेरे पास अभी केबल है तो मैं सिंपली वही केबल्स का यूज करूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, भले ही आपको ये वीडियो 6 मिनट का हो या 7 मिनट का या 8 मिनट का, कितनी मिनट का भी अगर वीडियो होता है तो फ्रेंड्स उसमें काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में, क्योंकि इसे बनाने में काफ़ी टाइम हमारा लग जाता है इसे, क्योंकि एडिट करना होता है तब ये कंप्लीट होकर आपको 6 मिनट में ये वीडियो मिलता है फ्रेंड्स। इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लग जाती है, तो इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हो सके तो इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि अभी लॉकडाउन है तो वो भी अपने घर पे ही इसे यूज कर सके, क्योंकि काफ़ी लोगों के चार्जर्स भी ख़राब हो गए होंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जो हमारा स्टेबलाइजर था उसमें 2 पिन हमारे नहीं लग सकते थे चार्जर में, तो यहाँ पर मैं मोनिटर का ले रहा हूँ। जो UPS की मेरी बैटरी होती है फ्रेंड्स, ये 12 वोल्ट का नहीं है, इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि इसके अंदर कोई भी बैटरी लगी हुई नहीं है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, किट जो इसकी है वो मैंने निकाल दिया था इसमें, क्योंकि वो डायरेक्ट AC में चलाना है फ्रेंड्स। ये जो केबल है इसके एक केबल का पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा केबल का नेगेटिव टर्मिनल एक साथ लगाना है फ्रेंड्स। जिस तरह से हम बैटरी को सीरीज बाय सीरीज में लगाते हैं, जिस तरह से आप सभी जानते हो कि बैटरी का जो 3.7 वोल्ट की बैटरी होती है या 4 वोल्ट की बैटरी होती है तो उसे हम सीरीज बाय सीरीज में लगा देते हैं तो वो 12 वोल्ट का बन जाता है। इसी तरह से आपको इसे भी करना पड़ेगा। इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव आपको एक साथ अगर मिलाते हो तो ये 12 वोल्ट आउटपुट हमें देने लगेगा, क्योंकि आप जानते हो कि जो वोल्टेज होती है वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में अगर ट्रांसफर होती है तो वो ऐड हो जाती है। तो आपको इस तरह से आपको यहाँ पर आप सोल्डरिंग भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा क्योंकि मुझे मल्टीमीटर से भी इसे टेस्ट करके भी आपको दिखाना है। तो मैं यहाँ पर वायर ले रहा हूँ अलग से, ताकि मैं आपको कोई भी कंपोनेंट्स को चला करके दिखाऊंगा। मैं गाइस, मैं आपको LED लाइट चला करके, जैसे मैंने खुद ट्राई किया है, ये अच्छा खासा बैकअप देगा, ये जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। आप इसे बना लोगे तो ये आप इस चार्जर से मोबाइल भी अपने चार्ज कर सकते हो, 12 वोल्ट की बैटरी भी चार्ज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये हमारी UPS की केबल है, तो मैं UPS का केबल पहले स्टेबलाइजर में लगा देता हूँ फ्रेंड्स। ये जो स्टेबलाइजर है ये हमारा 5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक का बैटरी भी चार्ज कर सकता है। अगर आपको इसे बनाना है तो आप भी हमारे चैनल में जाकर के इसे देख सकते हो। तो हमने यहाँ पर अभी इसे बिजली में लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जब भी इसे बनाओगे थोड़ा ध्यान से बनाना, क्योंकि काफ़ी चार्जर्स में बिजली ट्रांसफ़र हो जाती है, आपको उससे करंट भी लग सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर दोनों चार्जर को यहाँ पर मैं डायरेक्ट UPS में लगा दे रहा हूँ, जैसे कि आप सब यहाँ पर देख सकते हो। अब जो हमारा जो केबल है इसे हमें लगा देना है दोनों के चार्जर पॉइंट में, क्योंकि हमारा 2 चार्जर है तो दोनों केबल हमको हम जब तक लगाएंगे नहीं तो ये हमें 5 वोल्ट ही आउटपुट देगा। तो सबसे पहले मैं आपको मल्टीमीटर से एक चार्जर का वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले जो ऊपर का चार्जर है उसे मैं चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जो इसकी वोल्टेज है वो मैक्सिमम हमें
6 वोल्ट बता रही है फ्रेंड्स, जब ये जब इसका जो चार्जर है इसके अंदर जो कैपेसिटर लगा हुआ रहता है उससे ये चार्ज होता है, जिसकी मदद से ये हमें 6 वोल्ट आउटपुट दिखाता है। लेकिन इसका जो बैटरी वोल्टेज रहता है वो मैक्सिमम 4.5 वोल्ट या 5 वोल्ट तक ही इसका वैल्यू होता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको दोनों चार्जर को चेक करके दिखा दिया, दोनों के जो वोल्टेज है वो सेम है। अब मैं आपको डायरेक्ट 12 वोल्ट को चेक करके दिखाता हूँ जो हमने इस चार्जर से बनाया है। तो सबसे पहले मैं मल्टीमीटर में इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को लगा देता हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको इसे बनाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम 10 वोल्ट से 13 वोल्ट तक हमें आउटपुट मिल रहा है। अब मैं आपको इससे लाइट्स को चला करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले LED बल्ब ले रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 12 वोल्ट का LED लाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ भी है 12 वोल्ट DC। फ्रेंड्स अब मैं इसे आपको जला करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए जो इसकी लाइट है वो पूरी हाई जल रही है, क्योंकि आप सब जानते हो कि जो 12 वोल्ट की LED होती है ब्राइटनेस काफ़ी देती है। तो फ्रेंड्स इसे अगर बनाते हो तो ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगी, और आप इसे बना लोगे तो आसानी से बैटरीज को चार्ज कर सकते हो। ये बाइक का इंडिकेटर लाइट है। तो फ्रेंड्स ये 5 वोल्ट के चार्जर से भी चलता है, लेकिन जो इसकी लाइट है वो काफ़ी कम रहती है, लेकिन इसमें आप देख सकते हो ये हाई है। फ्रेंड्स आपने देखा ये कितने अच्छे से वर्क किया है। तो अगर वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दिया और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दिया। मैं तब तक के लिए जय हिंद।